स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है, और ये जो नोटिस है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनडीए एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के है, और इसमें जो है रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, और जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं उनको अब स्किल टेस्ट के लिए अपेयरिंग होने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर ये जो है स्किल टेस्ट कब होगा और साथ साथ फाइनल आंसर की कब जारी होगा ये आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एन डी एग्जाम 2022, वो 17/11/2022 से लेकर के 18/11/2022 यानी कि 17 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में एग्जामिनेशन हुआ था पूरे इंडिया में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कमीशन की ओर से करने के बाद में जो कैंडिडेट्स के लिए है नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट है उसी के बारे में यहाँ पर सारा प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर एज पर पारा 17A द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर फिक्स्ड एज यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए 20% था, जो कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था ये आप लोगों को बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है 13,100 कैंडिडेट्स है प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर प्रिपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो यहाँ पर जो है ग्रेड सी के लिए टोटल 13,100 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाइड कर दिया गया है स्किल टेस्ट में अपीयर होने के लिए, और 47,246 कैंडिडेट्स है प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो यहाँ पर जो है 47,246 कैंडिडेट्स को पास कर दिया गया है ग्रेड डी के लिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ मार्क्स किस प्रकार से यहाँ पर जारी किया गया है, ये जो है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर ग्रेड सी यहाँ पे है एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस यू आर ओ एच 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 वी एच और पी डब्ल्यू डी, ये है कट ऑफ मार्क्स आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं और कितने कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं ये है, और टोटल जो है 13,100 कैंडिडेट्स हैं ग्रेड सी के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके बाद में है यहाँ पर ग्रेड डी के लिए आप देखते हैं यहाँ पर, तो ग्रेड डी का जो है कट ऑफ जो क्वालिफाइड है उनका, तो एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं वो इस प्रकार से हैं। टोटल देख सकते हैं तो 47,246 कैंडिडेट्स जो हैं उनको क्वालिफाइड किया गया है, इनका अब स्किल टेस्ट होगा। अब देखते हैं आगे में, तो ये जो है कुछ जानकारी दी गई है वो भी यहाँ पर बताता हूँ मैं। तो द रिजल्ट ऑफ टू कैंडिडेट्स वियरिंग रोल नंबर इतना और इतना हैव बीन केप्ट विद हेल्ड इन कंप्लियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, ये जो दो रोल नंबर है उनका जो है कोर्ट ऑर्डर पर चल रहा है, इनका कुछ इशू है यहाँ पर। अब देखिए स्किल टेस्ट जो है वो स्किल टेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 15 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी को आपका होने का है, यहाँ टेंटेबली कहा गया है, और डिटेल शेड्यूल जो है वो कमीशन में आ जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो जो डेट है वो आप लोग मान के चलिए कि 15 फरवरी और 16 फरवरी को आपका स्किल टेस्ट होगा, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये कहा गया है। और आप लोगों को जो रीजनल ऑफिस में आप लोगों को ध्यान में देखते हुए वहाँ पे चलना ही चलना है। अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड ऑफ आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड द आंसर की हैव बीन मॉडिफाइड वेयर एवर नेसेसरी बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल आंसर की, द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 27/1/2023 से 10/2/2023। तो ये जो है फाइनल आंसर की जो आप लोगों का जारी होगा अपलोड होगा वो होगा आपका 27 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक में आप लोगों का ये फाइनल आंसर की को देखा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग अपना जो है फाइनल आंसर की देख सकते हैं, उसके बाद मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट कमीशन ऑन 25/1/2023। तो जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड हैं और नॉन क्वालिफाइड हैं उनका जो है अपना खुद का मार्क्स जो है वो 25 जनवरी को देखा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अपना मार्क्स जो है आप लोग 25 जनवरी को देख सकते हैं। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25/1/2023 टू 8/2/2023। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं कि अपना जो है फैसिलिटी है कि अपना मार्क्स देखना है वो आपका 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक आप लोग अपना मार्क्स को देख सकते हैं, जो भी पास किए हैं और जिनको क्वालिफाइड मिला है और जो नॉन क्वालिफाइड है दोनों को। और कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक द रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ अपना मार्क्स देख सकते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि पास कर गए हैं क्वालिफाइड हो गए हैं वो अब स्किल टेस्ट की तैयारी करें, और जो है डेट तो यहाँ पर बताया ही गया है जो 15 और 16 फरवरी को होने का है, तो आप लोगों को उस तारीख के लिए तैयार रखें अपने आप को। तो
तो यही जो अपडेट था वह स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के है, और यहाँ पे अब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।